मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं। जवाब मुझे मिल गया भाभी आपका। मैं जान चुकी हूं तैमूर की झूठी मोहब्बत का जो आपने लिबादा पहना हुआ है ना, सब पता चल गया मुझे। तो तुम्हारी बातें सुन के डर गई? सोचे तुम्हारी, तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगी। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। बहस खत्म। बस आज के बाद रमशा और अली के करीब भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती किसी बांझ का साया रमशा पे पड़े। अपना बच्चा तो खा गई तू, अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हो। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम सलाम। कैसी है फलक, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ अल्लाह का शुक्र। क्या हो, तुम रो रही हो? नहीं, मैं क्यों रोने लगी? भाभी ने कुछ कहा है? क्या है यार ये सब, तंग आ गया हूं मैं इन हालात से। दिल चाहता है कि कहीं भाग जाऊं। अकेले? यही तो बात है, अगर ऐसा हो सकता होता तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों जाता, क्यों तुम्हें तलाश करता? मुझे लगता है आपको मुझे तलाश नहीं करना चाहिए था। शायद इसी वजह से भाभी का गुस्सा कम हो जाता। क्यों नहीं करता मैं? क्या वो नहीं चाहती कि मेरा घर बसा रहे? नहीं। क्या मतलब? भाभी को आपसे कोई मसला नहीं है, भाभी को मुझसे मसला है कि मैं आपकी जिंदगी में क्यों? फिर क्यों फलक? क्योंकि उनको लगता है कि मैं आपको उनके खिलाफ भड़काती हूँ। लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हम दोनों मिलके भी इस बात का भाभी को यकीन नहीं दिला सकते। ये बात उनके दिल में बैठ गई है। अभी क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? रमशा इधर आओ। आज के बाद रमशा और अली के करीब भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती किसी बांझ का साया रमशा पे पड़े। अपना बच्चा तो खा गई तू, अब मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हो।
लेकिन फलक अब तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकते। मतलब ये कि डॉक्टर ने मुझे क्लियर बता दिया था कि फलक कभी मां नहीं बन सकती। बर्दाश्त को मत आजमाओ सोनिया। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मुझमें और बर्दाश्त नहीं है, खत्म हो गई मेरी बर्दाश्त। मुझे अपने आप से ना घिन आने लगी है, मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी है। मैं इसे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मुझे आजाद कर दे, मुझे लैदगी चाहिए आपसे, वरना इस कैद में मेरा दम घुट जाएगा। और सुनिए, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुमने मुझसे झूठ है ये। सुनिया, आपको एक ऐसी औरत चाहिए थी जो कैद में रहकर सिर्फ दिन रात आपका इंतजार करती रहे और आपकी मोहब्बत के गीत गाती रहे और अपनी जरूरतों के लिए आपकी तरफ देखे। गलत प्यारी मत करो सोनिया, मैंने तुम्हें मुकम्मल आजादी दे रखी है अपनी जरूरतों के लिए। तुम मेरी मोहताज नहीं हो, हर वक्त तुम्हारे अकाउंट में इतनी रकम होती है। तो बड़ा एहसान किया है मेरे अकाउंट में पैसे डलवा कर। बस कर दें सुहेल, और कितने ताने देंगे मुझे। मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मत करो ऐसी बातें सोनिया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं मजीद आपके साथ रही ना तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। ये देखे मेरे जुड़े हुए हाथ, देखे मुझे बख्श दे, माफ कर दे, मुझे आजाद कर दे, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो तुम कभी मरकर भी नहीं सोचना सोनिया। मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा। तो ठीक है, कोर्ट के दरवाजे बंद थोड़ी हो गए हैं, मैं वहां से अपना हक ले लूंगी। और ये आपके लिए बहुत बुरा होगा जब सारा शहर आप पर हंसेगा और जब आपकी बीवी को पता चलेगा जिससे आप हमारी शादी छुपाते फिर रहे हैं। सोच समझ कर तो आज की बात आप कदम उठाइएगा सुहेल साहब। आज की बात अगर आपने मुझसे बेवफाई की या सोचा भी तो हर बार अपने बच्चों की वजह से माफ नहीं करूंगी आपको। सोच समझ कर आज के बाद धोखा दीजिएगा मुझे, वरना पूरी दुनिया के सामने आपका तमाशा बना दूंगी। मत भूलिएगा, आप एक बंद डब्बे जैसे दिमाग वाले बेवकत बोने थे। आपको इस आलीशान मुकाम तक मैं लेकर आई। अगर आज के बाद आपने मेरी पीठ पर वार किया तो उठाकर आपको उसी तरह से सड़क पर फेंक दूंगी। खाला, खाला कहाँ हैं आप? तो इनका भी दिल घर में नहीं लगता, ना जाने कहां निकल जाती हैं। खाला,
सालों से आपने मुर्ग का कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ये जो आपकी मोहब्बत का लिबाता है ना, ये सिर्फ आपका हथियार है भाभी, और कुछ नहीं। और आप मुझे इस घर से इसलिए निकालना चाहते हैं कि मैं तैमूर को सब कुछ सच ना बता दूं आपके बारे में। आप डर गई हैं और आप तैमूर को कभी खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो आपके इशारों पे नाचते हैं। बेचारी फलक बीबी के लिए ये औरत फिर कोई साजिश कर रही है। मुझे क्या, मैं भी तो बेचारी हूँ। मुझे लगता था कि निशाद आंटी ऐसी है, कि सही नाम भी ऐसे निकलेंगे, ये सोच भी नहीं सकती थी। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना, तुम जा सकती हो। और फिर कासिम दा तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल देगा। तुम्हें पता है ना, जहीन ने तुमसे सिर्फ शादी इसलिए की थी क्योंकि मैंने उसे कहा था, वरना उसकी जिंदगी में तुम्हारी जगह थी ना है और ना ही कभी होगी। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं मजीद आपके साथ रही ना तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। ये देखें मेरे जुड़े हुए हाथ, देखें मुझे बख्श दें, माफ कर दें, मुझे आजाद कर दें, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सोनिया कौन सा खेल खेल रही है मेरे साथ? वो तो पहले वाली सोनिया लगी नहीं रही थी, कोई ब्लैकमेलर लग रही थी। या अल्लाह, इसका क्या मकसद है? शायद सिर्फ मुझे बर्बाद करना। और मैं किस तरह उसके जाल में फंस गया, कैसे? तो ठीक है, कोर्ट के दरवाजे बंद थोड़ी हो गए हैं, मैं वहां से अपना हक ले लूंगी। और ये आपके लिए बहुत बुरा होगा जब सारा शहर आप पर हंसेगा और जब आपकी बीवी को पता चलेगा जिससे आप हमारी शादी छुपाते फिर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? वो दोनों मां बेटी आपको मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपको। वो सिर्फ आपकी सादा दिली से खेल रहे हैं। तो क्या ये उसका प्लान था पहले से, और मुझे उसकी नियत का एहसास तक नहीं हुआ? नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अपनी बरसों की कमाई हुई इज्जत को यूं उसे तमाशा नहीं बनाने दूंगा। सुहेल, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे कुछ मत दीजिएगा,
सिर्फ वो घर मेरे नाम कर दें जहां आप किंजापी के साथ रहते हैं, प्लीज। सुहेल, इनकार मत कीजिएगा वरना मैं मर जाऊंगी। ये घर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा उसे रोकने के लिए। जिस तरह उसके हाथ में मेरी कमजोरी है, मेरे पास भी उसके खिलाफ कुछ ना कुछ होना चाहिए। मगर क्या? आपको ख्याल रखना चाहिए इस घर का और इस ऑफिस का भी, लेकिन इसके बावजूद आप उस चालाक लड़की के चक्कर में फंस रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर क्या मसला है तुम्हारे साथ? ये किस तरह मुंह उठाए अंदर चले आ रहे? सर मैंने दो बार नॉक किया था। बोलो क्या बात? सर ये नदीम सर ने भेजी है, कह रहे हैं आप एक नजर देख के ओके कर दें। उनके पास ले जाओ। सर वो ऑफिस में नहीं है। अच्छा ठीक है जाओ यहां से। मगर वो कह रहे सुना नहीं तुमने, जाओ यहां से। जरीना जी। बीबी जी। फलक का वो शहनाज ने जाना था किचन का सामान लेने मार्केट, तो फलक बीबी कहने लगी मैंने भी कुछ लेना तो वो उनके साथ गई। जा। इनको कहां से मेरी याद आ गई आज? क्या बात है खाला, भूले से नंबर तो नहीं मिला दिया मेरा? अरे वाह बिटिया, मुझे तो भूल के भी याद आ गई, मगर तुमने तो भूले से भी फोन ना किया। गई तो थी आपके घर, बताया तो था, लेकिन पता नहीं आप लोग कहाँ रूपोश हो गए। हाँ तो बताया तो था सारा किस्सा तुम्हें सोनिया ने। नाम नहीं लेना सोनिया का, बुरा मत मानना खाला, मुंह पे बोल रही हूँ। एक नंबर की झूठी है आपकी बेटी, कभी एतबार ना करूं उस पे मैं। अच्छा भाई तुमने कौन सी परवाह की है मेरी बुरा लगने की जो आज करोगी? क्या बात है खाला, बड़ी बातें कर रही हो। मुझे लगता है कोई बड़ा हाथ मार लिया आपने। अरे मुझे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम फलक बेचारी के साथ क्या कर रही हो? वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, उससे तुमने घर से बाहर निकाल दिया। अरे खुदा का वास्ता है उस पे रहम काओ, मेरी बेचारी भोली भाली सी बच्ची पे क्यों इतने जुल्म ढा रही हो तुम? हैं मेरा दिल जो है वो तो हलक को आ रहा है। बेचारी मेरी यतीम बच्ची रोती धोती भी मेरे पास आई। वाह
वो आपके पास आई थी। हाँ तो गरीब कहाँ जाती, एक मेरा ही तो आसरा है उसे, हारा लगती हूँ उसकी मैं। बेचारी, कह रही थी कि तिंजा भी मुझे अपने पास नहीं रख रही, खाला तुम रख लो, जी जान से मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। तो रख लेती ना, क्यों नहीं रखा? अच्छा था, इसी बहाने तैमूर की जान तो छुटती उससे। अरे भाई तुम इतनी बातें ना करो, मैं तो रख ही लेती मगर वो सोनिया नहीं मानी। कहने लगी अम्मा हम तो खुद किराए के घर पे रहते हैं, इसे कहाँ रखेंगे। अच्छा तुम फलक से मेरी बात करवाओ। हेलो, मनहूस मारी बेचारी फलक, हाय हाय। फलक को क्या लगता है वो मुझसे जो कुछ भी करेगी छुपकर, जो पता नहीं चलेगा। आप ही जल्दी से पिए फलक, भी देखें आपका रंग कैसे पीला पड़ गया है। ये शहनाज, अगर मैं घर से ना निकलती मेरा तो दम घुट जाता। आप जूस पिए, मुझे लग रहा है आपका बीपी लो हो गया है। वापसी में ना आप डॉक्टर को जरूर चेक करवा लीजिएगा। तुम ना अभी जाके किचन का सामान लेकर आओ, घर जाके खाना बनाना है, लेट हो गया तो भाभी बहुत डांटेंगी। जी जी आप परेशान हो, मैं सब लेकर आती हूँ, आप बैठे यहाँ पे। फलक, सारा तुम्हारी शादी हुई है तैमूर से। तैमूर के साथ खुश हो? सॉरी मैंने गलत सवाल कर लिया। किंजा जैसी औरत के होते हुए तैमूर की वाइफ कैसे खुश रह सकती है? तुम इस दुनिया की बदनसीब लड़की हो, अफसोस हो रहा है तुमको। दोनों के दरमियान कोई दरार डाल दे ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? सिर्फ आप ही ऐसा चाह सकती हैं, सिर्फ आप ही की ये ख्वाहिश हो सकती है कि तैमूर आपके अलावा कभी किसी की परवाह ना करे। सारा, बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूं, बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूं, कितने खूबसूरती से आप अपने मोहरे इस्तेमाल किए जा रही हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने तो अपने से सारी कोशिशें कर ली, लेकिन वक्त आने पर मैं आपकी सारी बसात उलट दूंगी। You said
कहां से आए आपके पास? तुम्हारी होने वाली बीवी मेरे मुंह पर मार कर गई है और साथ में ये भी कहकर गई है कि तैमूर से कहे कि इसके साथ मैचिंग का आपको लहंगा बनवा दे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसी बात की क्यों। मैं उससे जाके पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, तैमूर तुम नहीं जाओगे वहां। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी होने वाली बीवी ये समझे कि मैं तुम दोनों के बीच में झगड़ा। अरे भाभी छोड़े आप मुझे, आज ये फैसला हो क्या रहेगा? तुम जारा से कोई बात नहीं करोगे जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, तुम वहां नहीं जाओगे। भाभी कोई इस घर में आके आपकी बेइज्जती करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। क्या 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 क्या? अरे सोनिया ये तो क्या कर रही है? अगर ये सब कुछ तुमने कर दिया ना तो कुछ पता भी है कि सारी दुनिया हम पे थू-थू करेगी। तुम्हारी सोनिया ने आज से पहले दुनिया की परवाह की थी जो अब करेगी। देख देख मेरी बात सुन। अरे मैंने तुझे कितना समझाया था लेकिन तू तो मरी जा रही थी कि मैं तो सुहेल से ही शादी करूंगी। एक न सुनी तूने मेरी और करके छोड़ी शादी। अब क्या कीड़े पड़ गए बता? कीड़े ही तो पड़ गए अब उसमें। अरे 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 मजाक नहीं कर रही मैं, जो खी 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 कर रही है ये जिंदगी है, ये इस तरह से नहीं गुजरती। अरे कितने चाओं के साथ उस सुहेल ने तेरे साथ निकाह किया और तुझे कितने सुकून से रखा और तू खुदा के गजब को आवाज दे रही है। सच में अम्मा उस वक्त उस बेचारे सुहेल की शक्ल देखने वाली थी जब मैंने उसे कोर्ट के बारे में बात की थी। अल्लाह की कसम उसकी शक्ल ऐसे हो गई थी जैसे अभी मर गया, आखिरी सांसें ले लेगा। ला मेरी तौबा, अरे खुदा का खौफ खा, ना कर इस तरह। उस सुहेल के साथ भी और अपने साथ भी। अरे इतनी अकड़ और इतना गरूर अच्छा नहीं होता, उसके खौफ से डर जा। अम्मा कान खोल के ना मेरी एक बात गौर से सुन लो, ये मेरी जिंदगी है, मुझे इसे बनाना या बिगाड़ना ये भी फैसला मेरा होगा। और मैं सोनिया हूँ फलक नहीं, जिसको तुम जिस कूंठे से चाहो बांध दो और वो चुपचाप बेजुबान बकरी बनकर बन जाए। मुझे नहीं गुजारनी ऐसी जिंदगी। अच्छा अच्छा कम बखत मारी, तूने कैसी जिंदगी गुजारनी है? अरे हर चीज तो ला के दी हुई है उसने तुम्हें। मैं आजादी से फखर के साथ सर उठाकर उसके साथ उसकी पार्टियों में नहीं जा सकती, उसके घर की मेज पर उस किंजा की जगह बैठकर खाना नहीं खा सकती। मुझे नहीं गुजारनी है चूहों वाली जिंदगी जो इस सोने के बिल में छुपकर गुजारू। मुझे मेरी मर्जी से जीना है और वो मैं तुम्हें जी कर दिखाऊंगी। सोनिया लेकिन देख मेरी एक बात तो मान तू। अरे लड़की कितना सुकून है इस घर में, पता नहीं ये लड़की आगे से आगे जाने का क्यों सोच रही है। और बदनामी अलैदा, अरे अल्लाह मियां हम तो उसी घर में अच्छे थे, कम से कम सुकून तो था। सोनिया कोशिश करती हूँ इसको समझाने की। तुम्हारी शादी हुई है तैमूर से, तैमूर के साथ खुश हो? तैमूर मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। जी तैमूर ताहिर, आपका निकाह फलक नसीब बिन नसीब अहमद के साथ बाएवज हक मेहर 50,000 रुपए से कराजुल वक्त किया जा रहा है, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है।
भी तेरे।